देखिए, कांवर शब्द जो है वो कांधे से जुड़ा हुआ है, और अगर इसका संस्कृत में विच्छेद किया जाए तो काम अरी, काम जो होता है वो षड् दुर्गुण में एक आया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, मतलब ईर्ष्या जलन। तो कहने का अर्थ है जो काम जो है, काम का अरी मतलब शत्रु, वो जो है सो शिव है, क्योंकि उन्होंने काम को दहन किया था, इसलिए ये षड् दुर्गुण में जो है सो इसका व्युत्पत्ति अगर संस्कृत विच्छेद किया जाए तो कांवर शब्द वहाँ भी आता है, और कांधे पर जो लिया जाता है और उसमें जो है सो कांधे पर लेके अगर किसी को लिया जाता है तो वो गंगा जल है रहता है। तो गंगा जल जो है सो शिव जी की प्रथम पत्नी या पार्वती से बड़ी थी वो, क्योंकि हिमालय पुत्री वो भी है, तो हिमालय ने उनको कहा जो जब तक मेरी बड़ी पुत्री का विवाह नहीं होगा तब तक मैं अपनी छोटी पुत्री पार्वती का विवाह नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उनको जो है सो शिव जी बोले जो ठीक है मैं करूँगा, तो प्रथम पत्नी के रूप में गंगा ही मानी गई है। और ऐसे भी और बाबा का जो है सो उनको जो जल चढ़ाया जाता है तो गंगा उनको बहुत अति प्रिय है, बोले जो भी मुझे इस पर जल इसका इनका जल मेरे ऊपर चढ़ाया जाएगा तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। वैसे भी शिव पूजा में तीन चीज़ों का विशेष उल्लेख आया है, गंगा जलम गवाक्षीरम बिलपत्रम मत्प्रियम, गंगा जल गाय का दूध और बिलपत्र इनको बहुत प्रिय है। तो गंगा जल उनका सबसे प्रिय होने के नाते और जो है बैद्यनाथ जी को जो या शिव जी को जहाँ भी कांवर की यात्रा होती है जहाँ चढ़ाया जाता है गंगा जल ही चढ़ाया जाता है, तो गंगा उनका प्रिय होने के कारण उनके ऊपर चढ़ाने से उनके वो खुश होते हैं। और दूसरी बात है कि सब जगह अलग अलग मतलब इतिहास है या पुराण में जिक्र आया है, बैद्यनाथ धाम में भगवान रामचंद्र ने स्वयं कांधे पर कांवर लाकर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण किया था। इसका समय त्रेता युग में बतलाया गया है, चूँकि जो रावण थे उनके द्वारा यह स्थापित किया गया ज्योतिर्लिंग है। और देखिए हमारे शास्त्र में ऐसा है, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः आ रामजस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, मतलब राम का जो भगवान है वो शिव है और शिव के जो भगवान है सो राम है। तो शिव जी की पूजा करने राम जी आते हैं और राम जी की पूजा करने शिव जी जाते हैं, इसलिए भगवान राम ने अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए शिव जी की पूजा की थी, ऐसा आनंद रामायण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। जो त्रेता काल में जब रावण के वध के लिए उनको समस्त तीर्थ में जाना पड़ रहा था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा तपस्वी और महान बलशाली था और शिव जी के द्वारा वर प्राप्त किया हुआ ऐसा भक्त था जो उनको अजय माना जाता था, कोई परास्त नहीं कर पाएगा, इसलिए शिव जी की पूजा करने के पश्चात ही राम ने यह प्रयास किया था जो जाके हम लंका में आक्रमण करेंगे, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया था। उसी में जो है सो यह जिक्र आया है कि राम भगवान आनंद रामायण में ऐसा जिक्र आया सीता के साथ यहाँ आके उन्होंने पूजा की है, भाई भाई लोगों के साथ,